दोस्तों बहुत से अभी ऐसे लोग होंगे जिन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड योजना की लिस्ट में नहीं होगा और ना ही उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में 5 लाख का सालाना इलाज मिल रहा होगा और ना ही उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ होगा। तो अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है और आपको किसी भी बीमारी के लिए सालाना 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां से आप लोग अपना नाम आयुष्मान भारत योजना की नई सूची में ऑनलाइन ही ऐड करवा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा इसमें आप लोग ऑनलाइन नाम ऐड करवाने के लिए रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, देन सबमिट करने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100% कन्फर्म नहीं है कि आपका नाम ऐड हो ही जाए। रिक्वेस्ट अगर कन्फर्म हो जाती है तो आपका नाम इसमें ऐड हो सकता है। और इसी के साथ मैं आपको दो और ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग 100% आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, किस तरह से आप लोगों को रिक्वेस्ट को सबमिट करना है स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली और भी वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। या फिर आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है pmjaby.gov.in तो भी आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कोने के साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रीवेंस पोर्टल, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर योर ग्रीवेंस, तो इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है PMJAY और सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर ग्रीवेंस बाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बेनिफिशियरी ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर केस टाइप सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू इनरोल्ड अंडर ABPMJAY, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल आपको फिल करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे देना है। यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दे देनी है, अगर नहीं है तो आप इसे खाली ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीवेंस डिटेल फिल करनी है, जिसमें कि आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीवेंस अगेंस्ट टाइप करना है, जिसमें कि आपको PMJAY टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ग्रीवेंस टाइप करना है, यहाँ पर भी आपको PMJAY टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपको ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन टाइप करना है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का ग्रीवेंस लगा रहे हैं, यानी कि किस टाइप की आप रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड फाइल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं पर भी आपका डॉक्यूमेंट है आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की साइड में आना है और यहां पर आपको कंसेंट देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी OTP आपके मोबाइल फोन पर आया है उस OTP को यहां पर फिल करना है। इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे इसके बाद आपको यहां पर एक UGN नंबर मिल जाएगा और इसी UGN नंबर के माध्यम से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसलिए इस UGN नंबर को आपको कहीं पर भी कॉपी करके रख लेना है। आपको ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको ट्रैक योर ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जो भी यूजीएन नंबर मिला है उस यूजीएन नंबर को यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हो सबमिटेड कर दिया गया है और यहां पर जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह था वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका, अब हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से हम लोग अपने आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है, अगर आपकी फैमिली में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप लोग अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से अपना भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। और आप लोगों को करना क्या होगा, इसके लिए अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, देन वहां पर आप लोगों को अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड को बनवाना है। अब ये फैमिली आईडी किस तरह से मिलेगी तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा और आखिरी तरीका ये है जिसमें कि 100% आपका नाम इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि जो अभी वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना की सूची है ये जनगणना 2011 के अनुसार है, यानी कि जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय जितने भी लोगों के नाम ऐड थे तो उन्हीं लोगों के नाम आयुष्मान भारत योजना की सूची में ऐड किए गए हैं। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी उसी तरह से 2023 और 2024 में भी जनगणना हो सकती है। तो 2023-24 में जनगणना होगी, इसमें आप लोगों को अपना नाम ऐड करवा लेना है और इसके बाद आपका जो नाम है वो आयुष्मान भारत योजना की सूची में ऐड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल दोस्तों यही तीन तरीके थे, बाकी दोस्तों तरीके तो और भी हैं, जैसे कि आप लोग अपने राशन कार्ड के माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं अगर आपके पास में अंत्योदय का राशन कार्ड है। लेकिन दोस्तों अभी PMJAY सेतु जो वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट थी, वो अभी वर्क नहीं कर रही है ठीक से, इसलिए आप लोग अभी उस वेबसाइट के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते हैं। जब भी वेबसाइट चलने लगेगी तो आप लोग अपने राशन कार्ड से भी आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी। बट इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।